आप में से कोई भी सीड को एंड बर्ड को मिस मत करना। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। इनका न्यू अपडेट आया है जिसमें बताया है एयरड्रॉप के लिए कैसे एलिजिबल हो पाओगे। ध्यान से समझना, तभी जाके एयरड्रॉप मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बर्ड जो कि दिसंबर में लिस्ट होने वाला है, सीड जो कि दिसंबर में लिस्ट होने वाला है, यानी दोनों एयरड्रॉप आपको दिसंबर में मिलेगा। एग्जैक्टली क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारा वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। सो आराम से वीडियो को पूरा देखना। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। एज वेल एज आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में पिंड मैसेज चेक करना मत भूलना। जितने भी इंपॉर्टेंट एयरड्रॉप है, ऑन गोइंग एयरड्रॉप है, उनका लिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसको आप लोग आराम से टाइम निकाल के ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले आपको सीड का बताता हूँ। सो यहाँ पे सीड का रीसेंट अपडेट आया है रिगार्डिंग एयरड्रॉप। ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 दिन होगा, तो आप लोग तब तक अच्छा खासा सीड अर्न कर सकते हो इनका जो इवेंट आया है उसके थ्रू, जहाँ पे कि आप लोग अपने सीड फार्मिंग को इंक्रीज कर सकते हो। पहले सीड का बताता हूँ, देन मैं आपको बर्ड्स का भी बताऊंगा, क्योंकि बर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। सो सीड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो न्यू है उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स तो नहीं होने वाला, बट स्टिल आपको छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करने पे क्या पता अच्छा प्रॉफिट्स भी हो। अगर आप न्यू हो तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, जो कि यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आएगा। स्टार पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट्स होने वाले स्पीड हैं। अप करने के लिए बताया गया है। तो आप लोग चूज़ करना सुपर सीड, सॉरी सुपर स्पीड, जहाँ पे कि आप लोगों को 100 स्टार देना है, और नीचे एक और है बूस्ट मैक्स लेवल, जहाँ पे 100 स्टार देना है। ये दोनों मिला के 200 स्टार आपका लगेगा, यानी अराउंड $3 to $4 का यहाँ पे मे बी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, उससे भी कम। यानी $3 to $4 लगा के मे बी यहाँ पे आपको $30 to $40 तक मिल जाए। ये जस्ट स्पेकुलेशन है, लेकिन तब भी जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बेस अपन अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे स्पीड अप करते हो तो आपका जो फार्मिंग स्पीड है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सीड ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये जो फार्मिंग है ना, जो 24 आवर में होता है, तो इसको आप लोग क्लेम कर सकते हो, जो कि आपको पर डे का आई थिंक 200 टोकन्स देंगे। मान लो ये 7 डेज भी चला तो 1400 टोकन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बेसिकली ये टोकन तो नहीं है, पॉइंट्स है। मे बी ये 1:1 हो, या फिर कम्प्लीटली पॉइंट्स हो, जो कि टोकन में एक अलग रेशियो में कन्वर्ट हो, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये सीडी है जो जो कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन देखो क्या होता है, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे सीड मिलते हैं हम लोग, जो पॉइंट्स हैं अगर आप इसको पॉइंट कंसीडर करते हो तो। बट मैं इसको एज अ टोकन ही कंसीडर करता हूँ, क्योंकि इतना टोकन पॉइंट को और कितना यहाँ पे कन्वर्ट करेगा टोकन में। बाकी सप्लाई वगैरह तो हमें अभी पता नहीं है कितना सप्लाई होगा। तो एज ऑफ ना अगर आप न्यू हो तो स्टार्ट परचेज करके आप अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, एंड बाकी चीज़ों में फोकस मत करना, क्योंकि आपके लिए वैलिड नहीं है। ओके, अब जो पुराने यूज़र्स हैं हमारे, उनके लिए क्या है कि आपके पास तो NFT होगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, आई होप कि आपने देखा होगा, सीड से रिलेटेड देख सकते हो, 12 दिन पहले का वीडियो है, जहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स बताया था NFTs वगैरह के बारे में, जिसका अपडेट इनका आ चुका है, यानी क्राइटेरिया में आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कौन यहाँ पे एलिजिबल होंगे, यू आर नॉट बोट, यानी यहाँ पे ना बोट को फिल्टर करने के लिए आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके आप एयरडो के लिए एलिजिबल हो पाओगे। सबसे पहला काम, आप अपने प्रोफाइल पे यानी यूज़र नेम में सीड ये वाला जो देख रहे हो ना, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देना अपना जो नेम है उसमें। ठीक है, नेम के आगे आप कर सकते हो, आप पीछे कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप ये वाला कर देना, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी भी स्नैपशॉट होगा और इसके बेस्ड अपन ही मे बी आप एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाओ। एंड आपको इनके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो नेम और सब्सक्रिप्शन आई थिंक यहाँ पे इंक्लूड करेगा क्राइटेरिया में। एंड बाकी जो कोर क्राइटेरिया है, जिसके बेस्ड अपन आपका एलोकेशन डिसाइड होगा, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि सीड बैलेंस, आपका कितना सीड बैलेंस है। जैसे मैं अपना अगर बोट ओपन करूँ तो मेरे पास अभी 15,000 सीड है। ओके, एंड दूसरा इनवाइट फ्रेंड, जो कि हर एक प्रोजेक्ट अभी इंक्लूड कर रहे हैं। आई होप कि ये लोग इनवाइट को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे, यानी इनवाइट को दे बट इतना ना दे, ज़्यादा प्रायोरिटी सीड को दे, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा था एक्स एम्पायर एंड बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो रिफरल वालों को ज़्यादा मिला, लेकिन जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनको बहुत कम मिला। आई होप कि सीड ये वाला कांड ना करे। तो सीड में बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर रिफरल, आप कितने लोगों को इनवाइट करते हो। मुझे नहीं लगता कि इनवाइट वालों को ये लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, अगर देता है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट NFTs, जो मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियोज़ में, इनका NFTs अभी ट्रेडेबल भी है, हम लोग NFTs के थ्रू भी प्रॉफिट कर सकते हैं, बट होल्ड कर रहे हैं। और NFTs का एक अलग ही यूटिलिटी है, यानी आप जो NFTs इनके लोग हैं ना, उन NFTs को आप इन फ्यूचर, जैसे कि ये मेरा बैग है, ठीक है, इन्वेंट्री, यहाँ पे आप NFTs वाले सेक्शन पे आओगे तो ये मेरे पास NFTs है जो मैंने प्रीवियसली मिंट किया था, लीजेंडरी NFT है, एंड बहुत सारे NFTs हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है, सबसे पहला फ़ायदा कि आप इन NFTs को स्टेक करके, एज अ स्टेक, मतलब जो हमारा अभी दिख रहा है ना ऐप में, एक किस्म से ये स्टेक्ड है, यानी यहाँ पे बाउंडेड है इनके प्लेटफॉर्म के साथ। तो इनका प्लेटफॉर्म में अगर कोई एयरड्रॉप आता है, यानी कोई प्रोजेक्ट आता है, तो उनका
टोकन हम लोग फ्री में फार्म कर सकते हैं, पहला तो ये यूटिलिटी है। दूसरा यूटिलिटी है यहाँ पे आप डेली बेसिस पे हंटिंग कर सकते हो एंड आप यहाँ पे सीड अर्न कर सकते हो एज अ रिवार्ड। ओके, दूसरा यूटिलिटी ये है। तीसरा ये है कि आप लोग इन्हीं एनएफटीज को मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हो, जैसे कि OKX मार्केट प्लेस जो कि प्रीवियस वीडियो में बताया था। और अभी फिलहाल के लिए चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है कि एनएफटीज के बदले में आपको एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप मिलेगा जो कि आप इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। अब इनका जो चौथा क्राइटेरिया है अचीवमेंट बेजेस। अब अचीवमेंट बेजेस क्या है, तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये प्रोफाइल वाले पेज पे। ओके, इट इज़ माई प्रोफाइल एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रोथ गार्डियन एंड विंग्स करके, ये प्रीवियसली मैंने बताया था, अगर आपके पास है तो इसका एलोकेशन मिलेगा आपको। एंड बाकी यहाँ पे बायनांस बायबिट इनका भी आपको मिल रहा है, तो ये आप कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टोर जो है स्टार स्टोर, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो ये परचेज वगैरह करोगे ना, जो भी यहाँ पे इनका वॉर्म्स है जो भी है, तो इससे भी आपको एलोकेशन मिलेगा। और ये जो स्पेशल आइटम है ना, जो यहाँ पे इनका जो स्टार परचेजिंग है, ये नेक्स्ट वीक या फिर इसी वीक के एंड तक एंड हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना। तो एज ऑफ नाउ यही पांच इन्होंने क्राइटेरिया रिवील किया है जिसके बेस्ड अपन आपका एलोकेशन डिसाइड होगा। इनका सप्लाई क्या है इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है, सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हम प्राइस और प्रॉफिट को डिसाइड कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं बता सकते, जस्ट आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करो एंड जो भी इन्होंने क्राइटेरिया बताया है उसके बेसिस पे आप रेडी रहो, जैसे कि सीड का आपके पास कितना बैलेंस है और कितना इन्वाइट आप कर रहे हो, एनएफटीज जो कि कोर रहेगा, एनएफटीज का अदर यूटिलिटीज़ भी है, बाकी अचीवमेंट बैच एंड स्टार स्टोर। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि सीड एज अ एयर ड्रॉप मत देखो, सीड एज अ यूटिलिटी देखो, एज अ अर्निंग पर्सपेक्टिव देखो। जैसे कि हमने एनएफटीज वगैरह जो किया है तो एनएफटीज अब हमारा फायदे में रहेगा क्योंकि हम एनएफटीज को सेल कर सकते हैं मार्केट में। जैसे कि अभी जो लीजेंडरी एनएफटी है ये बिक रहा है $234 पे, एंड जो इपिक एनएफटी है वो बिक रहा है अराउंड $33, एंड अगर आपके पास रेयर है तो वो बिक रहा है अराउंड $6। तो आपके पास अगर मान लो 5-6 रेयर भी है तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप उठा सकते हो। इंस्टेंट सेल होता है इनके मार्केट प्लेस में, तो हम तो वैसे भी प्रॉफिट ही में है अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से तो। एंड जो भी बर्ड्स हमें मिला ये सारा तो फ्री का माल है, बाकी अगर आप न्यू हो तो मैंने बता दिया स्टार पे आके ये आप परचेज़ कर सकते हो। ये वाला मत करना, अगर आप मान लो ये कर रहे हो तो ये वाला मत करना 50 वाला, क्योंकि 50 वाला फिर इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ 100 वाला करना और ये 100 वाला करना, यानी 200 आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा स्टार। ओके, तो ज़्यादा यहाँ पे बताने लायक कुछ नहीं है। जो क्राइटेरिया है ये तो मैं पहले भी आप लोगों को बताते आया हूँ, बट इन्होंने अभी क्लियर कर दिया है, तो इसके बेस्ड अपन आपका एलोकेशन डिसाइड होगा। बाकी अर्न वाले सेक्शन पे डेली यहाँ पे ये सब करते रहना। अब एयरडो वाले सेक्शन पे आओगे तो अपना वैलेट तो आपने कनेक्ट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो आप कर लेना। एंड दिसंबर में ही इनका लिस्टिंग होने वाला है एंड हाई चांसेज है कि बायनांस पे हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक तो ये एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट है तो बायनांस एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट को कंसिडर करती है। ओके, तो यहाँ पे बाकी एक्सचेंजेस में तो कंफर्म लिस्टिंग है, जैसे कि OKX, बाईबिट एंड आपका कूकोइन, MEXC, बिडगेट एंड आई होप कि यहाँ पे बायनांस भी हो। सो ये है ओवरऑल डिटेल्स अबाउट सीड। अब हम मूव करते हैं हमारा सेकेंड एयर ड्रॉप जो कि है हमारा बर्ड्स। आई होप कि सीड का आपको सारा इन्फो पसंद आया हो, जो भी क्लैरिटी था वो मैंने आपको बता दिया। अब बर्ड में आपको क्या करना है, बर्ड भी सिमिलर टाइप प्रोजेक्ट है सीड के तरह, बट बर्ड जो है हमारा सुई ब्लॉकचेन के ऊपर है एंड सुई ब्लॉकचेन खुद बूम में है एंड सुई वालों ने इसको प्रमोट भी किया था प्रीवियसली जब हमने एयरड्रॉप को स्टार्ट किया था। तो आप अभी भी कर सकते हो, बट हाँ अभी चांसेस थोड़ा कम है प्रॉफिट्स वगैरह के, क्योंकि एनएफटी इनका इंपॉर्टेंट है, इनका भी एनएफटी सिस्टम है, बट 21 लेवल पे आपको एनएफटी मिलेगा। जैसे कि मैं अभी 21 लेवल पे हूँ तो मुझे ये वाला एनएफटी मिला है, यहाँ पे यू मस्ट सेटअप द वैलेट फर्स्ट। अच्छा, इधर मेरा वैलेट सेटअप नहीं है, तो ये वैलेट है, इस वैलेट को आपको क्रिएट करना है, वैलेट में थोड़ा सा सुई आपको डिपॉजिट करना है एंड उसके बेस्ड अपन आपको डेली यहाँ पे चेक इन करना है। तो चेक इन में यहाँ पे सुई लगता है, बेसिकली आप चेक इन करने जाओगे ना तो आपको यहाँ पे सुई ट्रांजेक्शन लगेगा, बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगता है। एंड बाकी इनका एयरड्रॉप का क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता रखा है, जैसे कि सुई वैलेट आपका क्रिएटेड होना चाहिए, ऑन चेन एक्टिविटीज़ लाइक डेली चेक इन जो आप करते हो उसमें लगता है और डेली जो अपग्रेड करते हो वो, एंड बाकी मिनिमम लेवल आपका 10 होना चाहिए। उसके बाद बर्ड का जो सोशल टास्क है और टेलीग्राम नेम में आपको ये ऐड कर देना है सुई करके और आगे बर्ड, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप लोगों को स्टोर पे आकर के यहाँ पे माई बैग पे जाओगे तो ये मेरा बैग है, मेरे पास अभी ये है, बाकी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो जो भी लेटेस्ट आया है जो कि 6 दिनों के अंदर एंड हो जाएगा, तो आप सुई देके बाई कर सकते हो जिससे कि आपको एनर्जी मिलेगा और उससे प्रॉफिट होंगे। ओके, एंड बाकी यहाँ पे हमारा टाउन है जहाँ पे कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, अभी तक 157 लोगों ने ही ज्वाइन किया, आप भी कर सकते हो। अब इसका क्या फ़ायदा है कि आप सेटिंग पे आओगे ना तो सेटिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखता है, तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अर्न करेगा हमारे टाउन में तो यहाँ पे सभी को डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो आप यहाँ से बेसिकली डेली आप क्लेम करना और इसको यूज़ कर सकते हो एनएफटी परचेजिंग के लिए, यानी वॉर्म्स परचेजिंग के लिए, और एनएफटी को फीड करा सकते हो जो आपका बर्ड है।
तो ये काम आप कर लेना, ठीक है, इसको करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बाकी स्टोरेज है आपका, स्टोरेज पे क्या है कि आपका जो NFTs वगैरह है वो दिखेंगे, और बाकी टास्क वगैरह पे आप ये सारा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। मार्केट पे आकर के आप बेसिकली वर्म्स को बाई करके जो आपका बर्ड है उसको फीड करा सकते हो। तो बर्ड में यही काम है, और बर्ड का जो लिस्टिंग है दिसंबर में होने वाला है, यानी मान लो 15 से 20 दिन इधर भी आपको टाइम मिलेगा। तो सीड बर्ड जो भी मैंने प्रॉपर अपडेट है बता दी है, अगर स्टिल डाउट है कमेंट कर सकते हो। एंड आप टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, सब मिलता है। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड ये वाला चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड करते हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग, और आप लोगों को यहाँ पे टाइम टू टाइम नए नए कॉइन्स भी बताते हैं जिसको आप बाई करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।